मानव भारती विश्वविद्यालय को लेकर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने सोलन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री फर्जीवाड़ा सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नियमों को दरकिनार कर विश्वविद्यालय को चलाने की अनुमति दी गई, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा कई मापदंड पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े से जुड़े व्यक्ति बेल पर आज बाहर हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रही है और मामले को जानबूझकर कमजोर बनाया जा रहा है ताकि असली गुनाहगार सलाखों से बाहर रहे। विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि मानव भारती जहां हजारों डिग्रियों का फर्जीवाड़ा किया, युवाओं के भविष्य के साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने घिनौना खेल खेला, उसके बावजूद भी अभी भी विश्वविद्यालय चल रहा है, उसकी मान्यता रद्द नहीं की गई। जिन्हें जेल में होना चाहिए था वे बेल पर हैं। अगर सरकार चाहती तो वे सुप्रीम कोर्ट या डबल बेंच जा सकती थी। सरकार को मामला सीबीआई में देना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों और किसे बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने मामले को जानबूझकर कमजोर बना दिया। यही वजह है कि सरकार की मंशा पर अब सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो वे विश्वविद्यालय की सबसे पहले मान्यता रद्द करेगी। मानव भारती का प्रश्न है, मैं व्यक्तिगत तौर पर और हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है, विधानसभा के अंदर भी उठाया और बाहर भी उठाया, कि हिमाचल प्रदेश में मानव भारती विश्वविद्यालय जो है उसके माध्यम से हजारों फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस मसले को लेकर विधानसभा के अंदर भी पिछले बजट सत्र के अंदर जो है इस मामले को उठाया गया था और इसको मीडिया में हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और उस वक्त जो है 24 फरवरी को जब विधानसभा के अंदर ये मसला उठाया गया था, तो उस समय जो है ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एसआईटी का गठन किया था, जिसमें 4 टीमें बनाई गई थी। अब एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उससे हम बड़े हम हैरानी है हमें कि एसआईटी ने कहा है कि हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, 6 लोग तो पहले गिरफ्तार थे और 6 की 6 बेल हो गई है और 2 लोग इन्होंने और गिरफ्तार किए जो मिडल मैन है। हमारा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि हम शुरू से ही मांग करते रहे हैं कि जब 17 राज्यों में ये डिग्रियां बेची गई, विदेशों में डिग्रियां ये बेची गई हैं, तो ये मामला सीबीआई का बनता है और सीबीआई को मामला देना चाहिए था। और दूसरा मैंने मांग की थी कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इस यूनिवर्सिटी में चल रहा है, इस यूनिवर्सिटी को तुरंत इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। भाई हमने मांग करी थी, वो भी नहीं हुई, वो यूनिवर्सिटी भी इन्होंने एडमिशन शुरू कर दी, एडमिशन चलाना शुरू कर दी। तीसरा हमारा आरोप ये है कि सरकार की मिलीभगत और सरकार के ऊपर कोई दबाव होने की वजह से इस मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया है। जो बेल हुई है माननीय न्यायालय ने तो एविडेंस के आधार पर बेल दी होगी, परंतु इस मामले को ठीक तरीके से प्लीड नहीं किया गया है। अगर उनकी बेल भी हो गई थी तो छोटे से छोटे मामलों को लेकर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, डबल बेंच में पहुंच जाती है। तो इस मामले को लेकर जो सरकार है वो ना तो डबल बेंच में गई ना सुप्रीम कोर्ट गई, तो इससे शक जो और बढ़ जाता है। इसलिए हम फिर मांग कर रहे हैं कि तुरंत इस यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए, इसकी मान्यता रद्द की जाए और इस मामले को सीबीआई को दिया जाए। और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग बेनकाब इसमें होने वाले हैं। और 2008 में जब इस हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार आई थी, उस समय ये शर्तें तय हुई थी कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी ने खोलनी है तो उसके लिए 50 बीघा जमीन चाहिए। तो 50 बीघा इनके पास थी नहीं, इनके पास 30 बीघा थी। 2 बार इनका मामला जो है वो रद्द किया गया, रिजेक्ट हो गया, उसके बावजूद भी इनको इजाज़त मिली। कौन लोग थे जिन्होंने इजाज़त दी, किसकी मिली भगत की, किसने लेन देन किया, क्या एसआईटी ने उन लोगों से भी पूछताछ की है? तो ये सारे के सारे प्रश्न चिन्ह आज खड़े होते हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।